बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे अनार का मिल्क शेक। तो हमने अनार को अच्छे तरीके से छील लिया है, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद आपको मिक्सी ग्राइंडर जार में ले करके इसे पीसना होगा। तो आप देख सकते हो, इसे हम इस तरीके से सारे अनार को इसके अंदर डाल देंगे। आप देख सकते हो इस तरीके से आपको सारे अनार को मिक्सी ग्राइंडर जार में डाल देना है। आप देख सकते हो इस तरीके से आपको डाल लेना है। और डालने के बाद इसके अंदर हम चीनी को ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हो इस तरीके से आपको 2 चम्मच तक चीनी को ऐड करना है। आप इस तरीके से 2 चम्मच चीनी को ऐड कर दोगे। फिर इसके बाद चीनी ऐड करने के बाद आपको इसके अंदर चीनी डाल लेना है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितना आपको टेस्ट पसंद हो मीठा। और फिर इसके बाद हम इसके अंदर 1 कप तक दूध को ऐड करेंगे। आप देख सकते हो इस तरीके से आपको दूध को ऐड कर लेना है। और दूध ऐड करने के बाद इसे ढक करके, आप देख सकते हो ढक करके इसे मिक्सी ग्राइंडर में पीस लेना है। इस तरीके से सेट करके आप देख सकते हो अच्छे से इसे मिक्सी ग्राइंडर में पीस लेना है। और पीसने के बाद इस तरीके से आप देख सकते हो पेस्ट हमारा तैयार हो चुका है अनार का। तो फिर उसके बाद हम इसे कप में निकाल लेंगे। आप देख सकते हो इस तरीके से आपको अच्छे से कप में निकाल लेना है। और फिर निकाल लेना अच्छे तरीके से। आप देख सकते हो इसका कलर एकदम से चेंज हो चुका है, क्योंकि हमने इसमें मिल्क ऐड किया है, दूध को हमने डाला है, इसलिए इसका कलर एकदम से चेंज हो चुका है। फिर उसके बाद आपको इसके अंदर गार्निशिंग के लिए हमने थोड़ा सा अनार को डाल दिया है। इस तरीके से आप देख सकते हो अनार डालने के बाद आपको इस तरीके से अनार अच्छे से सेट कर देना है, आप देख सकते हो। और फिर उसके बाद हम इसके अंदर आम को कट करके डालेंगे। आप देख सकते हो आम को डालने से इसका लुक और भी अच्छा आ जाता है, आप देख सकते हो। इस तरीके से आपको आम को भी डाल देना है साइड से गार्निशिंग के लिए। तो आप देख सकते हो साइड से हम आम को भी डाल देंगे अच्छे से। और डालने के बाद आप देख सकते हो हमारा अनार का मिल्क शेक, अनार मिल्क शेक बन कर के तैयार है आप। और ये बहुत ही टेस्टी लगता है, आप भी ट्राई करो और बताना कि हमारी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियोज। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वॉचिंग दिस।